दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के सिकंदरा में स्थित फेमस अकबर का मकबरा से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मरियम टॉम्ब। दोस्तों मरियम टॉम्ब घूमने के लिए मैंने ऑनलाइन टिकट लिया जो मुझे 20 रुपये का मिला। दोस्तों मरियम जमानी, हीर कुमारी, हरकाबाई ये सभी नाम जोधाबाई के ही हैं। जोधाबाई आमेर के कछवा राजा बारमल की पुत्री थीं। 1562 में उनका विवाह अकबर से हुआ। जब सलीम का जन्म हुआ, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठा, तो अकबर ने उनको मरियम जमानी के खिताब से नवाजा, जिसका मतलब है विश्व पे दया रखने वाली। और 1623 में इनकी मृत्यु हुई, जिसके बाद इनके पुत्र जहांगीर ने 1623 से 1627 के बीच इस मकबरे का निर्माण कराया, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हो, और इस मकबरे के चारों कोने पे आप ये जो विशाल छतरियां देख रहे हैं, ये इसकी शोभा को और बढ़ाती है। तो अभी हम चलेंगे मकबरे के अंदर और अंदर से दिखाएंगे आपको मकबरे का नज़ारा। और दोस्तों ये जो मकबरा है, ये गुम्बद विहीन मकबरा है, लेकिन उसके बाद भी ये मकबरा बहुत ही सुंदर है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ मरियम टॉम्ब के अंदर, और आप देख सकते हो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ये आप देख रहे हो गलियारे, चारों दिशाओं में इसी तरह के गलियारे बने हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ये दोस्तों देख सकते हो, इस मकबरे में चारों तरफ इसी तरह के गलियारे बने हुए हैं। और तो ये जो आप पेंट देख रहे हैं, ये उसी समय का पेंट है जब इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना सॉलिड पेंट है, जो अभी तक जो है ये इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो आप डायमंड कट शेप देख रहे हैं, ये मुग़लों की और भी बिल्डिंग में देखने को मिलते हैं। इस मकबरे की फर्श को देखिए, कितनी डिज़ाइनदार बना हुआ है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इनको किस तरह से काट के फिट किया गया हो आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मरियम टॉम्ब के पीछे की साइड का नज़ारा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का है। इमारत के चारों कोने पर आपको चार विशाल छतरियां देखने को मिलेंगी, जो इसकी शोभा को और बढ़ाती हैं। दोस्तों इस मकबरे में आपको चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, फूल देखने को मिलेंगे सुंदर सुंदर, आप देख सकते हो। काफ़ी पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे।
जो कि इस मकबरे की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस मकबरे में आपको तीन कब्रें देखने को मिलेंगी। जो ओरिजिनल कब्र है वो नीचे तहखाने में है, और दूसरी भूमितल पे है, और तीसरी इसके छत पर है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं ओरिजिनल कब्र जोधाबाई की। जब आप मकबरे के पीछे की तरफ से अंदर की ओर जाएंगे तब आपको जोधाबाई की कब्र देखने को मिलेगी, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। अभी हम चल रहे हैं जोधाबाई की कब्र की तरफ और देखते हैं जोधाबाई की कब्र। ये कुछ आसपास का इस तरह का नज़ारा है। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, इधर नीचे की तरफ ही है जोधाबाई की कब्र। ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ये है जोधाबाई की कब्र। तो इस मकबरे से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे अकबर का मकबरा भी है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। और वैसे अकबर के मकबरे के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जो कि मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।